नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। सोशल मीडिया पर सबसे कम एक्टिव रहने वाले भारतीय खिलाड़ी एमएस धोनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वो 25 सितंबर यानी कि आज के दिन दोपहर 2 बजे लाइव आएंगे और एक मजेदार चीज अपने फैंस के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करेंगे। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी लाइव आए और लाइव से पहले जो कयास लगाए जाने लगे उसके बारे में जानकारी दी, तो लोगों ने कहा कि साल 2020 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके एमएस धोनी जो अब आईपीएल खेलते हैं, क्या उससे भी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसको लेकर फैंस उत्सुक नजर आए। लेकिन जब एमएस धोनी लाइव आए तो उन्होंने तमाम चीज़ों से पर्दा उठाया और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ओरियो बिस्किट को नए तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2011 में ओरियो बिस्किट भारत में लॉन्च किया गया था और अब एक बार फिर एमएस धोनी ने एक नए अवतार में उसे लॉन्च किया और इस बात की जानकारी दी। दरअसल एमएस धोनी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेकर इसका इतिहास जोड़ा। साल 2011 में जब ओरियो बिस्किट लॉन्च किया गया, तब ही भारतीय टीम ने एमएस धोनी की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और अब धोनी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप से ही इसका कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने कहा कि साल 2022 में एक बार फिर से ओरियो को नए अवतार में लॉन्च किया जा रहा है और इस साल भी एक कप है और इसी का कनेक्शन हम जोड़ने आए हैं। उन्होंने वहां बैठे तमाम जो पत्रकार थे उनसे भी इस बात को दोहराया कि 2011 में जब ओरियो लॉन्च हुआ तब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और अब 2022 में एक बार फिर नए अवतार में लॉन्च हो रहा है, तब भी टीम इंडिया 2011 को दोहराती हुई नजर आएगी। बता दें कि 2022 यानी कि इस साल अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर से शुरुआत होगी T20 वर्ल्ड कप की और इसी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने ओरियो बिस्किट का तार उससे जोड़ा। साथ ही आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप के तहत ही अपनी हेयर कटिंग करवाई। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मैं हेयर कट भी उसी तरीके का करवा रहा हूँ और तमाम चीज़ें 2011 जैसे ही करने के लिए आया हूँ। क्या कुछ आपकी राय है महेंद्र सिंह धोनी के इस नए अवतार को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।